तहरी बनाने के लिए हमने आलूओं को काट लिया, हमने यहाँ 4 आलूओं का यूज किया है, उसको बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब हम इन आलूओं को फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने कुकर को गैस पर रख दिया है। अब हम उसमें ऑयल ऐड करेंगे। हम यहाँ सरसों का तेल ऐड कर रहे हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलूओं को ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से आलूओं को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे। उसी तेल में अब हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। हम यहाँ 3 तेज पत्ता ले रहे हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के, 2 इलायची, 2-3 लौंग और 4-5 काली मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसमें आधा चम्मच जीरा ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच हींग ऐड करेंगे। अब इसमें हम अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें हम बारीक कटी लहसुन ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें एक बारीक कटी प्याज ऐड करेंगे और कटी हुई बरबट्टी ऐड करेंगे और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हम आधा कटोरी मटर ऐड करेंगे। हमने यहाँ फ्रोजन मटर यूज किया है। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। हम यहाँ आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और मसालों को अच्छी तरीके से भून लेंगे। मसालों को हमने लो फ्लेम पर अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमने यहाँ 3 मीडियम साइज के टमाटरों का यूज किया है। अब टमाटर को अच्छे तरीके से गलने तक पकाएंगे। टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं, अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। हमने यहाँ इस कटोरी से 3 कटोरी चावल लिए हैं। चावलों को हमने धोकर रखा था, अब हम इसे कुकर में ऐड करेंगे। अब चावल को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इस स्टेज पर हम फ्राई किए हुए आलूओं को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हमने यहाँ 3 कटोरी चावल लिए थे तो हम 6 कटोरी पानी ऐड करेंगे। उसी कटोरी से हम 6 कटोरी पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। अब हम कुकर को बंद कर 1 सीटी आने तक वेट करेंगे। 1 सीटी आ चुकी है, अब इसे हम 5 से 7 मिनट ऐसे ही रहने देंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि हमारी तहरी कैसी बनी है। 5 मिनट बाद देखिए हमारी तहरी तैयार हो गई है, अब हम इसे सर्व कर लेंगे। तो आपको हमारी तहरी की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।